मेरे गांव की माटी से देश का दिल धड़कता है। आइए 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 आइए। हेलो, प्रणाम प्रणाम। तो रास्ते में कोनो परेशानी तो नहीं भाई? नहीं नहीं नहीं, अच्छा था सफर। गर्मी तो बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है जी। हम जिस लड़के को आपके लिए चुने हैं ना, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, संस्कारी। मान लीजिए मेरी दिली इच्छा थी कि मैं गांव में शादी करूं, गांव मुझे बहुत पसंद है। जी जी। राजू भाई, तो कुछ लड़के के बारे में बताई। अब लड़का के बारे में ही हो गया, बहुत शांत स्वभाव के है। लड़का पूरा गाँव में जाना था, एकदम लड़का हमारा गऊ है, जहाँ ठे बांध दे उनठे एकदम बधा रहा था। बहुत पूरे गांव मोहल्ला के लड़कियों से अलग है बिल्कुल। अच्छा, तो बुलाया जाए लड़के को? बिल्कुल बिल्कुल। तो राजू भाई, लड़के को बुलाई फिर। ए प्रकाशा। हाँ पापा जी। वाह, ददूबा कहीं लेके आवा जल्दी। चाय बहुत अच्छी है, ददूबा बनाई सी का? हाँ, तो हमारा ददूबा बहुत निकही चाय बनावत है। लड़का टैलेंटेड है। तो नाम क्या है आपका? जी, हमारा नाम ददूबा है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? स्कूल तक पढ़ाई किए हैं। तो इंग्लिश आती है आपको? जी हाँ, आती है। अच्छा, तो कुछ सुना दीजिए इंग्लिश में। जी, E B C D। और सुनाइए। हाँ, सब बढ़िया है। काम वाम भी कुछ कर लेते हैं? जी, हम सब काम कर लेते हैं। क्या क्या कर लेते हैं? जी, इस समय बहुत कटाई लगी है गेहूं के, तो गेहूं काटे थे मान ले। अच्छा। महुआ गिरा था दोपहर जाई था, महुआ बिना हो गया, महुआ जब समाप्त हो जाये तो पत्ती टूटा थी, तो पत्ती टोरी थी। सब काम कर ले थे हम, सब कर ले थे। हाँ, हम सब काम कर ले थे। अच्छा, तो ये बताइए कि आप देश के बारे में क्या राय रखते हैं? जी, हम देश के बारे में कुछ नहीं सोचे, अपने गुरुवन भैंसिन के बारे में सोचते रही थे। अच्छा जी। तो मान लीजिए लड़का तो ठीक है, पसंद आया। हाँ हाँ, तब फिर पंडित जी लेनी देनी की बात हो जाए? ठीक कहला है, तो लेनी देनी के बात हो ही जाए। जौन ले दे कहो तो बता दे अपना का। तो हम कूलर अलमारी से लग के भैंसी गैया छरिया तक दे दे, और चौरव गोहूँ जऊँ है तो वह देवे करब। एक भैंसी बड़ी नगद ही, वह 8 लीटर दूध दे थी एक टाइम, तो वह को दे दे। बहुत सही जी। नहीं नहीं नहीं, देखिए ना तो किसी को दहेज लेना चाहिए और ना ही किसी को दहेज देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आजकल तो बगैर दहेज लिए या बगैर दहेज लिए तो काम ही नहीं चलाता है। देखिए, समाज भी एक एक व्यक्ति से बनता है, और अगर हम और आप दहेज नहीं लेंगे तो ये समाज के लिए एक नई दिशा होगी। तो इस तरह से समाज में जो दहेज प्रथा की कुरीतियाँ हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी, और इसी दहेज के कारण लड़कियाँ माँ बाप पर बोझ बन जाती हैं। इसी दहेज के कारण ना जाने कितने घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कुछ तो हो गए और हो रहे हैं। इसीलिए हमें ना दहेज लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। बिल्कुल अपना सही कही था, अब हम नहीं दहेज लेंगे और ना ही अब दहेज देंगे। अच्छा, ता शादी तो पक्की समझी ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, तो फिर चलते हैं। जी 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 जी। धन धन रे मोरे गांव के माटी पर रहौ तो पैया ला।